दिल्ली के जामिया नगर में तमंचे से गोली चलाने वाले की पहचान हो गई है। गुरुवार को तमंचा लहराकर फायरिंग करने वाला शख्स नाबालिग बताया जा रहा है। वो ग्रेटर नोएडा के जेवर का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में ये शख्स हवा में पिस्तौल लहराता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस जब इस शख्स को ले जा रही थी तब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपका नाम क्या है। जवाब में गोली चलाने के अभियुक्त ने जवाब दिया, राम भक्त गोपाल। इस अकाउंट से शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो से पता चलता है कि यह शख्स जामिया में गोली चलाने वाले गोपाल ही है। राम भक्त गोपाल के अकाउंट से फायरिंग से कुछ देर पहले की सारी जानकारियां घटनास्थल से पोस्ट की जा रही थी। फीड की कई पोस्ट में यह शख्स खुद को हिंदुत्व समर्थक बताता रहा है। प्रोफाइल में पहले शेयर की गई कुछ तस्वीरों में राम भक्त गोपाल बंदूक और लंबी कतार लिए दिखता है। आरोपी शख्स ने अपने प्रोफाइल पर खुद को राम भक्त बता रखा है। गोली चलाने वाला युवक जामिया का स्टूडेंट नहीं है। फायरिंग से पहले वो कई बार जामिया में अपने अकाउंट से लाइव भी हुआ था। हमला करने के 2 घंटे पहले फेसबुक पर कई पोस्ट उसने किए थे। इस पोस्ट में साफ लिखा था, शाहीन बाग खेल खत्म, मेरी अंतिम यात्रा पर मुझे भगवा में ले जाएं और जय श्री राम के नारे हों, मैं यहां अकेला हिंदू हूं, ये कोई हिंदू मीडिया नहीं है यहां, मैं यहां अकेला हिंदू हूं, मेरे घर का ध्यान रखना, आजादी दे रहा हूं। फिलहाल नाबालिग युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि फेसबुक अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के विरोध में दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से राजघाट तक मार्च के दौरान अचानक उस युवक ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जामिया इलाके के पास हुई उस फायरिंग में एक छात्र घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल शादाब को बैरिगेट्स पर चढ़कर होली फैमिली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। फिलहाल घायल छात्र को एम्स भेजा गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब छात्र घायल हुआ तब पुलिस ने बैरिकेड खोलने से मना कर दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक गोली चलाने के दौरान भारत मां की जय, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद और वंदे मातरम का नारा लगा रहा था। पुलिस ने बदमाश युवक को हिरासत में ले लिया है और युवक से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि यह घटना आज गुरुवार दोपहर की है। एक प्रदर्शनकारी छात्र गोली लगने से घायल हो गया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच गोली आखिर चली कैसे। मार्च वाले इलाके में काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती थी और फिर भी आरोपी युवक ने फायरिंग कर दी। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को निशाना बनाकर एक युवक ने गोली चलाई और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे वीडियो में ये युवक तमंचा लहराता हुआ दिख रहा है और इस दौरान पुलिस हाथ बांधे खड़ी है। इस युवक ने फेसबुक पर अपनी पहचान राम भक्त गोपाल के नाम से जाहिर की है और वो गोली चलाने से पहले फेसबुक पर लगातार अपडेट भी कर रहा था। उसने कई अपडेट भी किए हैं। शांतिपूर्ण छात्रों पर हिंसक हमलावर के गोली चलाने और इस दौरान पुलिस के कुछ न करने पर सोशल मीडिया पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के जामिया इलाके में गुरुवार को गोली चलाने की जो घटना हुई है उस पर पुलिस को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ गुरुवार को निकाले गए मार्च में एक व्यक्ति ने फायरिंग की थी। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में जो घटना हुई है उसके संबंध में उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस तरह की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जामिया फायरिंग मामले पर भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी ने भी बयान दिया है। उन्होंने इसे नाटक करार देते हुए कहा कि ये सब कुछ जो नाटक चल रहा है अब किस मुंह से उठेंगे वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 8 तारीख नजदीक आ रही है। जिस वजह से लोग बैठे थे उनका वो मकसद भी पलटता नजर आ रहा है, तो उठने का बहाना चाहिए। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून CAA और नागरिकता रजिस्टर NRC के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से राजघाट तक मार्च निकाला जाना था। इसी दौरान पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। जब छात्र प्रोटेस्ट में नारा लगा रहे थे तभी एक शख्स पिस्तौल लेकर भीड़ को गोली मारने की धमकी देने लगा। इस बीच उसने गोली चला दी जिससे एक छात्र भी घायल हुआ है। इससे पहले गोलीबारी को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले ही बवाल मचा हुआ है। भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के रिठाला में आयोजित एक प्रचार सभा के दौरान मंच से नारे लगाते दिखाई देते हैं। देश के गद्दारों को उनके साथ इस नारे के पीछे पीछे वहां जमा लोगों ने नारे लगाए, गोली मारो को। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।